दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोएक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्लिपकार्ट अमेजोन सेल तो खत्म हो चुकी है लेकिन अब छोटे छोटे सेल आ गए हैं दोनों के ऊपर। फ्लिपकार्ट वाला सुबह वीडियो बनाया था, नहीं देखा जाके जरूर देखिए। अमेजोन पे आइकू फ्लैगशिप डेज चालू हो गया है जो कि 14 तारीख तक चलेगा, ठीक है। तो 14 तारीख से पहले अगर आप लेना चाहते हो आईक्यू के स्मार्टफोन तो अमेजोन से ले सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सारे कार्ड के ऊपर ऑफर है, मल्टीपल कार्ड्स के ऊपर, ऐसा नहीं कि किसी एक सिलेक्टेड कार्ड के ऊपर ऑफर हो। इसमें एक स्मार्टफोन है आईक्यू 9SE, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पसंद आ लगे मेरे शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना। कैसे इस स्मार्टफोन को सिर्फ आप 27,000 में खरीद सकते हो जो कि 38,000 के आसपास का था, अभी के टाइम पे फिलहाल काफ़ी प्राइस कम कर दिया इसका एंड आ गया है 32,000 में, सिर्फ 27,000 में खरीद सकते हो। दो दो ऑफर्स हैं लेकिन दोनों एक साथ नहीं ले पाओगे, ये चीज़ याद रखना, कोई एक ही ले पाओगे। अगर आपके पास कोई भी कार्ड है तो उसके ऊपर 3,000 रुपये का ऑफ है, तो ये स्मार्टफोन आपको 28,990 रुपये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंज करते हो कोई पुराना स्मार्टफोन तो इसके ऊपर 5,000 रुपये का डायरेक्ट इंस्टेंट डिस्काउंट है, यानी 32,000 का स्मार्टफोन सिर्फ आपको 27,000 में मिलेगा। उसके बाद जो स्मार्टफोन का प्राइस रहेगा वो भी कम होगा। तो ये आपको अगर 4-5 हज़ार का कोई स्मार्टफोन एक्सचेंज कर रहे हो तो 9,000 के आसपास कम हो जाएगा और ये स्मार्टफोन आपको समझ लो मिल जाएगा कुछ 22-23 हज़ार के आसपास। चलिए अच्छी बात है, लगा सकते हो, या तो एक्सचेंज या तो कार्ड, दोनों नहीं लगेगा, कोई एक लगेगा। एंड क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें आपको, 6.62 इंच का 120Hz का एमोलेड का पैनल मिलता है पंच होल के साथ, पांडा ग्लास का सपोर्ट है, रियर साइड में ट्रिपल कैमरा है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, देखने में भी अच्छा लगता है, काफ़ी यूनिक सा पसंद आएगा डिज़ाइन आपको। चलो ये तो हो गई डिजाइन की बात, इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो स्नैपड्रैगन 888 आता है एडिनो 660 के साथ, 8 लाख के ऊपर का स्कोर जाता है, परफॉर्मेंस तगड़ा है, वहाँ पे आपको इश्यूज नहीं आएंगे। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आया था लेकिन अब 12 का अपडेट आ चुका है तो थोड़े से ब्लोट वेयर्स रहेंगे। ये आपको फ्रंट टच ओएस 12 के साथ आता है तो थोड़े से ब्लोट वेयर्स रहेंगे लेकिन आप डिलीट कर पाओगे, चलिए अच्छी बात है, वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। अब परफॉर्मेंस का सेगमेंट सही है। कैमरा 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, 48+13+2 मेगापिक्सल, ये OIS के साथ आता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, रियर से 4K कर पाओगे, फ्रंट से 1080, जैसे मैंने कहा OIS के साथ आता है तो फीचर आपको स्टेबलाइजेशन तगड़ा मिलेगा, वहाँ पे आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। कैमराज अल्टीमेट है, अगर 27-26 हज़ार में आपको मिल जाता तो अल्टीमेट है उस प्राइस के हिसाब से। चलिए देन इसके बाद बात करते हैं बैटरी की, 4,500 mAh की बैटरी है, 66 वाट के चार्जर के साथ आता है तो बैटरी को समझ लो कि ये 25-30 मिनट में चार्ज कर देगा फुल चार्ज, ये भी अच्छी बात है। टाइप सी के पोर्ट के साथ आता है तो एक बड़ी डिसेंट बैटरी है, बड़ी तो नहीं कहूँगा डिसेंट कहूँगा, लेकिन एक अच्छा फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है इसके साथ। सेंसर्स की बात करोगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 3.5mm जैक नहीं है लेकिन बाकी सारी चीज़ें, स्टीरियो स्पीकर्स, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, जितनी चीज़ें याद कर लो सारी की सारी मिल जाती है, वहाँ पे आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। चलिए कार्ड स्लॉट नहीं एक्सपांड नहीं कर पाओगे, बेस वेरिएंट 8GB 128GB वाला है जो कि पहले तो 38,000 का था, फिलहाल में अभी 32,000 में चला गया है तो करीब करीब 6,000 का वो भी ऑफ है। एंड इसके बाद अगर आप एक्सचेंज लगाते हो तो 5,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, कार्ड कोई भी लगाओगे तो इस पे आपको 3,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो कार्ड के साथ ही आपको करीब करीब समझ लो कि 29,000 28,999 में मिल जाएगा। और अगर आप एक्सचेंज करते हो सिर्फ तो ये स्मार्टफोन आपको 27,000 में मिल जाएगा, 27,000 के हिसाब से अच्छी डील है। देखना चाहते हो इसको देख सकते हो, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा स्मार्टफोन जरूर बताना, और भी ऑफर्स हैं उनको भी देख सकते हो, आईकू 9 है, आईकू 9T है, देन इसके बाद स्मार्टफोन्स हैं ऑफर में उनकी तरफ भी देख सकते हो, लेकिन इसका ऑफर मुझे ज़्यादा बेटर लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, एंड साइड में देखो वेक्टर में इसको क्लिक रहे हैं, उनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नया कहना चाहता था, तब तक के लिए दोस्तों।